हेलो एवरीवन, आई एम नवीन। आज इस वीडियो में मैं आपको हैव और गेट का प्रयोग सिखाता हूँ। हैव और गेट का यहाँ पर एक ऐसा प्रयोग है जिसका अर्थ है कोई काम करवाना। अगर आप कोई कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हो तो वहाँ पर हैव या फिर गेट का और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। ज़्यादातर गेट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि अपने बाल कटवा लो तो प्लीज़ गेट योर हेयर कट। अगर मैं कहूँ प्लीज़ कट योर हेयर तो मतलब खुद काट लो, अगर लेकिन वो किसी और से कटवा रहे हैं तो गेट का प्रयोग करते हुए प्लीज़ गेट योर हेयर कट। अपने कपड़े धुलवा लो प्लीज़ गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड। अपना घर बनवा लो प्लीज़ गेट योर हाउस बिल्ट। थर्ड फॉर्म लगाते आ रहे हैं, अपने घर की सफ़ेदी करवा लो तो प्लीज़ गेट योर हाउस पेंटेड। अपनी बाइक की सर्विस करवा लो तो प्लीज़ गेट योर बाइक सर्विस्ड। ऐसे पंखा सही करवा लो तो प्लीज़ गेट द फैन रिपेयर्ड। तो कोई काम करवा लो गेट प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे हम जो सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी अगर आपको सेंटेंस लिखना है बोलना है तो गेट प्लस थर्ड फॉर्म अर्थात कोई भी काम करवा लो या फिर हैव का प्रयोग कर सकते हैं।